पाठ पांच, अर्जुन सिंह। देशभक्ति की भावना हमारे देश के बच्चे बच्चे के मन में समाई हुई है। इतिहास के पन्नों पर उभरने वाले महान देश प्रेमियों की शक्ति का आधार देश की जनता थी। एक था बालक अर्जुन सिंह। वह अपने माता पिता और छोटी बहन का दुलारा था। उसके माता पिता उससे बेहद प्रेम करते थे। छोटी बहन भैया भैया पुकारती नहीं अखाती थी। उनका छोटा सा परिवार प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। एक बार अर्जुन बीमार पड़ गया। उसका बुखार बहुत तेज था। माता पिता और बहन सभी उसके लिए परेशान हो गए। माँ ने उसके इधर उधर की चीजें खाने पर रोक लगा दी। उसका मन गुड़ और चना खाने को ललचा रहा था। उसकी छोटी बहन से भाई का दुख न सहा गया। वह चुपके से भाई के लिए गुड़ और चना ले आई और उसने भाई को खाने के लिए दे दिया। कुछ दिनों बाद अर्जुन का बुखार उतर गया। भाई के मन में बहन के प्रेम की भावना और गहरी हो गई। एक दिन लोगों ने सुना कि कौमी झंडे का जुलूस निकलने वाला है। सभी देशभक्तों के दिलों में आनंद और उत्साह की भावना समा गई। देश का वायसराय नहीं चाहता था कि कौमी झंडे का जुलूस निकाला जाए, इसलिए उसने हुक्म दिया कि जुलूस नहीं निकाला जाएगा। वायसराय का हुक्म सुनते ही देशवासियों के दिल मुरझा गए। बड़ा आया वायसराय, क्यों ना निकले झंडे का जुलूस? भाई ने बहन से कहा। कौन है यह वायसराय? होगा कोई। वह जुलूस निकालने क्यों नहीं देता? हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम जो है। बहन ने बड़ी हिम्मत से कहा। तब तो हम जरूर जुलूस निकालेंगे, अपना झंडा फहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है हमें। भाई बहन दोनों झंडा बनाने में जुट गए। भाई केसरिया और हरा रंग ले आया। बहन ने अपनी चुन्नी से झंडा बना लिया। दोनों ने मिलकर उस झंडे पर केसरिया और हरी पट्टियां बना दी। भाई ने उस झंडे को खेलने के डंडे से बांध लिया। झंडा बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहा था। भाई ने दाहिने हाथ में झंडा थामा और जुलूस में भाग लेने चल पड़ा। बहन भी उसके साथ जाना चाहती थी, परंतु भाई ने यह कहते हुए उसे रोक दिया कि जुलूस के साथ बहुत दूर तक चलना पड़ेगा। भाई की इच्छा थी कि उसकी बहन उसे रोली का टीका लगाकर उसी प्रकार विदा करे जिस प्रकार प्राचीन काल में राजकुमारी अपने भाई राजकुमार को विजयी होने की मंगल कामना के साथ रोली का टीका लगाकर युद्ध के लिए भेजती थी। भाई की इच्छा को समझते हुए बहन दौड़कर रोली, चंदन, दीपक और चावल से सजी हुई आरती की थाली ले आई। उसने भाई की आरती उतारी। उसके माथे पर रोली, चंदन और चावल का तिलक लगाया। भाई ने माता पिता का आशीर्वाद लिया। बहन ने विजयी भाव कहते हुए भाई को जुलूस में भाग लेने के लिए भेजा। वह झंडा लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और बहन दरवाजे पर खड़ी उसकी ओर देख रही थी। कुछ दूर जाने पर सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु वह न रुका। सिपाही भी उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे, परंतु सरकारी हुक्म के अनुसार वे बालक को आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे। सिपाहियों ने उसे बहुत डराया धमकाया, परंतु वह कहां मानने वाला था। निर्दय सिपाही
उस अबोध बालक पर डंडे बरसाने लगे। बालक आहत होकर गिर पड़ा। उसके सिर, हाथ और पैरों में बहुत चोट लगी थी, परंतु उस स्थिति में भी उसने झंडा हाथ से नहीं गिरने दिया। सिपाहियों को भाई के पीछे जाते देख बहन का मन अज्ञात भय से कांप उठा। वह भागते भागते वहां पहुंची। भाई ने झंडे को बहन के हाथों में थमा दिया और वह मूर्छित हो गया। उसने भाई के सिर को अपनी गोद में रखा और सहायता के लिए लोगों को पुकारने लगी। इसी बीच उसके माता पिता और कई सज्जन उसकी सहायता के लिए पहुंच गए। उस वीर बालक को लोग अस्पताल ले गए। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया और पुनः झंडा लेकर अपनी बहन, मित्रों और परिजनों के साथ देश की स्वाधीनता के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगा।